वेलकम बैक गाइस। देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखिए कीबोर्ड पे आप देख सकते हैं किस टाइप का ये कीबोर्ड है जो चेंज हो चुका है। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरह के कीबोर्ड का यूज़ करना और इस ट्रिक का यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते से रह रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल अर्जित शर्मा में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस ऐप का नाम है फैंसी कीबोर्ड। अब सबसे पहले आप सेटिंग्स है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स होती है वहाँ पर जो सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सिस्टम के अंदर आपको लैंग्वेज और इनपुट ऑप्शन पर जाना है। लैंग्वेज और इनपुट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड। इस पर क्लिक करके आप ये फैंसी कीबोर्ड है ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस ऐप के अंदर जाइएगा। इस ऐप के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारी थीम्स और ये इसकी मिल जाएगी, कीबोर्ड की काफ़ी सारी थीम्स मिल जाएगी। जो आप थीम चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने खुद के कीबोर्ड पे कोई भी अन्य फीचर लगाना है, जैसे कि आपकी या किसी और की, या कोई भी म्यूज़िक डालना चाहते हैं या कोई भी एडिटिंग, तो ये आप यहाँ से एडिटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ से फीचर सेलेक्ट करना है या थीम, फ्रेम, लेवल, कीबोर्ड इनपुट वगैरह जो भी आप चाहते हैं वो सब यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।